इस वीडियो में हम 22 ऐसे कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे हैं जो एरीज असेंडेंट के लिए, यानी कि एक नंबर अगर आपका असेंडेंट है, दैट मींस नंबर 1 इज रिटन हियर, एरीज असेंडेंट के लिए हम 22 ऐसे कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे हैं जो आपको मालामाल बना सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखिए, टिक करते रहिए कौन से कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बन रहे हैं। जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन उतनी ज्यादा वेल्थ होगी आपके पास, और कई इनमें ऐसे कॉम्बिनेशन भी है जो अकेला भी इतनी वेल्थ प्रोवाइड करने के सक्षम है कि आपकी पूरी लाइफ वेल्दी निकल जाए। तो देखिए, आपने कुछ नहीं करना, अभी आप आराम से वीडियो देखिए, एक एक करके मैं योग बताऊंगा एरीज असेंडेंट के लिए। आप उनको चेक करिए अपनी कुंडली के अंदर, कुंडली अपनी खोल लीजिए और साथ के साथ चेक करते रहिए। देखिए, एक चीज मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, जब एरीज असेंडेंट है ना, तो एक तो ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही, यानी कि मंगल इंपॉर्टेंट हो गया, सेकेंड हाउस का लॉर्ड वीनस इंपॉर्टेंट हो जाता है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड मून इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सूर्य इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे ही जुपिटर इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, एंड सैटर्न 11th हाउस का लॉर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो हो गए कौन से प्लैनेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब अनलक्की प्लैनेट्स अगर आप देखें ना, जनरली हम बोलते हैं कि सिक्स्थ का लॉर्ड, एट्थ का लॉर्ड और ट्वेल्थ का लॉर्ड हम अनलक्की मानते हैं, बट इस केस में देखिए एट्थ लॉर्ड फर्स्ट लॉर्ड ही हो गया, तो मार्स आपको नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देता, इसलिए मर्करी को थोड़ा सा हम नेगेटिव मानते हैं एरीज असेंडेंट वालों के लिए। बट अभी हम ये करते हैं कि एक एक करके अपने योग स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और टिक करते रहिएगा साथ साथ में। तो फर्स्ट योग देखिए, पहला योग हम देखते हैं, अगर आपके नाइन एरीज असेंडेंट है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कौन है, जुपिटर। जुपिटर या तो सेकेंड हाउस में आके बैठ जाए, फोर्थ हाउस में आके बैठ जाए, या नाइन्थ में ही बैठ जाए। जुपिटर इन तीनों में से किसी भी पोजिशन में बैठा है, ये आपको एक्स्ट्रा लकी बनाता है। एक्स्ट्रा लकी का मतलब क्या है कि दूसरे ज्यादा मेहनत करेंगे, आप सेम काम में कम मेहनत करेंगे और अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा लकी वाला एक कॉम्बिनेशन ये है। तो दूसरा कॉम्बिनेशन हम देखिए वेल्थ के लिए, फॉर एरीज असेंडेंट। एरीज असेंडेंट के लिए सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है, वीनस। अब वीनस या तो सेकेंड हाउस में ही बैठ जाए, या सेवंथ राशि में बैठ जाए, सेवंथ हाउस भी वीनस ही कंट्रोल कर रहा है इस केस में, या नाइन्थ में बैठ जाए। इन तीनों में से सेकेंड, सेवंथ या नाइन्थ में शुक्र बैठा होगा, आपका एरीज असेंडेंट है, आपको बहुत ज्यादा रिच और वेल्दी बनाता है ये लाइफ में। फिर थर्ड चीज देखिए, थर्ड आ गया हमारे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड एरीज असेंडेंट के केस में। देखिए वेल्थ के लिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन आ गया, मंगल। अब मंगल और सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन आ गया, वीनस। ये दोनों, अब एक तो ये और ये दो घर वीनस के अंदर है, तो मंगल इन दोनों के में से किसी भी घर में बैठ जाए, फॉर एग्जाम्पल मार्स यहां बैठ गया, फॉर एग्जाम्पल यहां भी बैठ जाता तब भी ठीक था, और वीनस मंगल की राशि में, यानी एक या आठ में किसी में भी बैठ जाए, फॉर एग्जाम्पल वीनस यहां बैठ गया, तो ये कॉम्बिनेशन व्हेन मार्स एंड वीनस आर एक्सचेंजिंग राशिस, आपका एरीज असेंडेंट है, आपको बहुत ज्यादा वेल्दी बनाएगा लाइफ के अंदर। अब अपने चौथे कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं एरीज असेंडेंट के लिए। देखिए अगर एरीज असेंडेंट है, सेकेंड हाउस के बाद अभी हमने डिस्कस किया वीनस हो जाता है, इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड हो जाता है सैटर्न। अगर इन दोनों में आपस में राशि एक्सचेंज हो जाए, अब देखिए सैटर्न 11 नंबर और 10 नंबर दोनों कंट्रोल कर रहा है, ऐसे वीनस 2 और 7 दोनों रूल कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल आप लीजिए सैटर्न इन दोनों में से कहीं भी, फॉर एग्जांपल यहां बैठ गया, और वीनस इन दोनों में से कहीं भी, सपोज यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, दैट मीन्स वीनस सेकेंड हाउस का लॉर्ड और सैटर्न 11th हाउस का लॉर्ड आपस में राशि एक्सचेंज कर रहे हैं आपके एरीज असेंडेंट में, आपको बहुत ज्यादा वेल्दी बनाता है। अब देखिए एक और कॉम्बिनेशन जिसमें 28 एज से लेके 32 इयर्स की एज तक आप सडनली वेल्थ कमा लेंगे इस कॉम्बिनेशन से, अगर आपकी कुंडली में है तो ध्यान से देखिएगा। ये कॉम्बिनेशन है अगर लग्न का लॉर्ड आपके, यानी कि 1 नंबर का लॉर्ड मार्स के साथ मून बैठ जाए, चंद्र और मंगल एक साथ यहां बैठे, और साथ के साथ जो शनि है, दैट मीन्स 11th हाउस का जो लॉर्ड है शनि, वो 1, 4, 7 या 10 यानी कि केदराज में बैठ जाए शनि 11th का लॉर्ड, या फिर 1, 5, 9 में बैठ जाए, इनमें से कहीं भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन आ गई जहां पे शनि कहीं भी बैठा हो इनमें से, सपोज यही बैठ गया। इस केस में भी देखिए आपको 28 से 32 की एज में ये चार साल आपके लिए लकीएस्ट माने जाएंगे इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। जितनी वेल्थ आप इस एज में कमा सकते हैं उतनी कभी भी नहीं कमा पाएंगे लाइफ में। अगर आप इसी एज में है, एरीज असेंडेंट आपका है और ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, नेवर लेट 28 to 32 years गो वेस्ट। इस टाइम पीरियड में जब सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए आपको, सबसे ज्यादा वेल्थ आने के चांसेस हैं। अब देखिए अभी तक हम 5 कॉम्बिनेशन डिस्कस कर चुके हैं, इस वीडियो में मैं टोटल 22 कॉम्बिनेशन चेक कर रहा हूँ। आपने अपनी कुंडली खोलनी है साथ में,
और टिक करते रहिए साइड बाय साथ कि कौन से कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बन रहे हैं, और जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना उनको कमेंट्स भी करते रहिए, साथ साथ में कमेंट्स लिखते रहिए मेरी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। और अगर आपका कोई डाउट है ना, यू कैन ऑल्सो आस्क दैट, मैं या फिर कोई और जो वीडियो देख रहा है आपके डाउट्स क्लियर करता रहेगा साइड बाय साइड। अब देखिए छठा कॉम्बिनेशन एरीज असेंडेंट के लिए फॉर मेकिंग मनी ये है, अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आपका, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन है, वन नंबर के लिए सूर्य हो गया लॉर्ड, है ना, सूर्य फिफ्थ हाउस में ही बैठ जाए। और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कौन है, नाइन्थ और ट्वेल्थ का जुपिटर, तो जुपिटर अगर ट्वेल्थ हाउस में बैठे, देखिए फिफ्थ हाउस में बैठ गया सूर्य और ट्वेल्थ हाउस में बैठ गया जुपिटर, एरीज असेंडेंट है आपका, इस केस में ऐसा काम करना चाहिए जिसमें फॉरेन लैंड से आपको पेमेंट आए। फॉरेन लैंड से पेमेंट का बहुत बड़ा योग बनाता है, अगर गुरु ट्वेल्थ में है, सूर्य पांचवें में है और एरीज असेंडेंट है, आपको ऐसा काम करना चाहिए, या तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर आप बाहर ही सेटल हो जाइए, फॉरेन लैंड्स का बहुत बढ़िया योग बनता है। छठा कॉम्बिनेशन, अब देखिए हमने शुरू में डिस्कस किया था कि अगर एरीज असेंडेंट है तो इसके लिए सिक्स्थ लॉर्ड, यानी कि मर्करी ना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है सिक्स्थ लॉर्ड, तो ये कॉम्बिनेशन क्या है कि मंगल यानी कि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, योर सिक्स्थ हाउस लॉर्ड मर्करी, योर सेकेंड हाउस लॉर्ड वीनस एंड योर इलेवेंथ हाउस लॉर्ड सैटर्न, ये अपनी अपनी राशियों में बैठ जाए, यानी कि मार्स सपोज यहाँ पे कहीं भी बैठ गया, यहाँ बैठ गया मार्स, यहाँ बैठ गया मर्करी, या फिर थ्री में भी बैठ सकता था, वीनस यहाँ बैठ गया, और शनि 10 या 11 में से कहीं भी बैठ गया, यानी कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड मार्स, सेकेंड हाउस लॉर्ड वीनस, इलेवेंथ हाउस लॉर्ड सैटर्न और छठे घर का मालिक मर्करी, ये चारों अपने किसी भी साइन में बैठ जाए, इस केस में भी ये बहुत अच्छा राजयोग बनाता है, जिसमें क्या होता है आप अपनी फैमिली में, अपने जो पूरी एंसेस्टर फैमिली है उसमें सबसे रिच माने जाएंगे या सबसे रिच होंगे, ठीक है। ये सिक्स्थ कॉम्बिनेशन था। अब सेवन्थ कॉम्बिनेशन एरीज असेंडेंट के लिए आप ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या देखा है कि आपका जो एरीज असेंडेंट है फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है यानी कि सूर्य हो गया वो फिफ्थ हाउस में ही बैठ जाए, और इलेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड था सैटर्न दैट इज इन द नाइन्थ हाउस, सूर्य इन फिफ्थ सैटर्न इन नाइन्थ एरीज असेंडेंट, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लकी भी बनाता है, वेल्दी भी बनाता है, और प्रॉपर्टीज भी आपकी बहुत ज्यादा बनवाता है, बहुत अच्छा योग माना जाएगा ये। अब नाइन्थ कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। नाइन्थ कॉम्बिनेशन में क्या है, देखिए फिफ्थ हाउस का लॉर्ड दैट मींस सूर्य, सेकेंड हाउस का लॉर्ड वीनस और चंद्र, ये किसी तरह आपके असेंडेंट को एस्पेक्ट कर रहे हो, देख रहे हो असेंडेंट के ऊपर, या फिर असेंडेंट में बैठे हो, यानी कि वीनस मून सन इधर ही बैठ जाए, वीनस यहां बैठ जाए, सन मून यहां बैठ जाए, असेंडेंट के ऊपर पूरा प्रभाव आ रहा है सेकेंड लॉर्ड का वीनस का, फिफ्थ लॉर्ड का जो सूर्य है और चंद्र का, इन तीनों का प्रभाव जब असेंडेंट के ऊपर आएगा एरीज असेंडेंट के लिए अनलिमिटेड फ्लो ऑफ मनी होती रहेगी, पैसे खत्म भी हो गए ना तब भी अनइंटरप्टेड सोर्स आप कह सकते हैं फॉर मनी, मनी आपकी कभी भी खत्म नहीं होगी लाइफ में, अगर मनी खत्म हुई ऑटोमेटिकली न्यू मनी सोर्सेज खुलते रहेंगे आपके लिए। अब नेक्स्ट योग जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट योग है, इसमें क्या होता है 33 एज पे, जब आप 33rd ईयर चल रहा है ना आपका, उस टाइम पे आपको सडनली बहुत एक्सट्रीम वेल्थ मिल जाती है, तो ध्यान से देखिएगा इस योग को। देखिए इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है आपका, जब एरीज असेंडेंट है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हो गया मार्स, नाउ दिस मार्स फर्स्ट हाउस लॉर्ड मार्स इज शिफ्टिंग इन द 10th हाउस, यहां पे बैठ गया मार्स, और जो सैटर्न है शनि जो 10th हाउस का लॉर्ड था वो फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट लॉर्ड 10th में चला गया, 10th लॉर्ड फर्स्ट में आ गया, इतना एक्सट्रीम पावरफुल योग बनता है कि 33 इयर्स की एज में आप एक्सट्रीमली वेल्दी बन जाएंगे, हो सकता है उससे पहले आप सफर कर रहे हो, 33 के होते ही या वो एक साल आपका गेम चेंजर होएगा लाइफ के अंदर, तो बहुत ही ध्यान से देखें ये योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा हो तो। अब हम चलते हैं अपने 11th योग की तरफ। 11th योग क्या है एरीज असेंडेंट के लिए जिसमें आप एक्सट्रीमली वेल्दी बन जाते हैं, वो देखिए आपने फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस, इन सबके लॉर्ड्स यानी कि मंगल, वीनस, जुपिटर और सैटर्न, ये चारों या तो अपनी ही राशियों में बैठे हुए जैसे यही बैठ गए फॉर एग्जांपल, या फिर ये चारों वीनस मार्स सैटर्न जुपिटर में से हो सकता है एक या दो एग्जॉल्टेड हो जाए या ना उच्च के बैठे हो और बाकी अपनी राशियों में बैठे हैं, या चारों ही एग्जॉल्टेड हो गए तो बहुत ही उच्च का योग बन जाएगा, या फिर चारों सिर्फ अपनी राशियों में भी बैठे हैं, इवन देन दिस इज एक्सट्रीम वेल्थ केस जिसमें आपको बहुत ज्यादा लक्ष्मी और वेल्थ मिलती है लाइफ के अंदर एरीज असेंडेंट के अंदर। अब 12th केस देखिए आप, मंगल आपका, क्योंकि एरीज असेंडेंट के अंदर मंगल हमारा
असेंडेंट लॉर्ड है। तो मनी के लिए, पैसों के लिए बहुत बढ़िया योग कब बनेगा, जब जो ये मंगल है, दिस मास कहीं भी बैठा हो, फॉर एग्जाम्पल मंगल यहां बैठा है और इसके साथ मरकरी बैठ जाए, सिक्स्थ लॉर्ड इज सिटिंग विद मंगल, और मंगल के साथ सेकेंड लॉर्ड बैठा हो वीनस, या फिर मंगल के साथ नाइन्थ लॉर्ड बैठा हो जुपिटर, यानी कि मंगल के साथ सेकेंड लॉर्ड वीनस, सिक्स्थ लॉर्ड मरकरी या नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर कंजंक्शन में बैठा है ना एरीज असेंडेंट में, ये इन इटसेल्फ दिस इज अ वेरी पावरफुल योग फॉर मनी। तो इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली देख रहे हैं साथ के साथ, इसको टिक कर लीजिए और लिख लीजिए मेरे में योग बन रहा है। अब 13th देखिए पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट है कि एरीज असेंडेंट के लिए ना मैं थोड़ा सा आपको सतर्क करना चाहता हूँ, आपको ट्रांजिट देखने आने चाहिए, गोचर देखना आना चाहिए। जब सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है अपना, वीनस है ना, जब ये वीनस ट्रांजिट के अंदर, गोचर के अंदर, यानी कि क्योंकि देखिए आसमान में तारे तो चलते जा रहे हैं, ग्रह चलते जा रहे हैं, तो आपकी पूरी कुंडली के ऊपर से ग्रह हमेशा चलते ही रहते हैं। जब वीनस आपके छठे घर के ऊपर से, आठवें घर के ऊपर से या बारहवें घर के ऊपर से गोचर कर रहा होगा ना, उस टाइम पे, इन तीनों टाइम पीरियड्स में आपके ऊपर वेल्थ से रिलेटेड ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ सकती है, एकदम से वेल्थ लूज कर सकते हैं आप, फंस सकते हैं किसी ऐसी चीजों में जहां पे आपकी वेल्थ फंस गई है, आपकी अपनी वेल्थ है किसी के पास पड़ी है, वो वापिस नहीं कर रहा, या फिर वेल्थ लॉस हो गया आपको एकदम से सडनली, इन तीनों केसेस में होगा ये। 1, 2, 3 सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, क्या करना चाहिए, व्हाइट सफायर इन तीनों ड्यूरेशन में आपको डालना चाहिए। अदरवाइज भी जब एरीज असेंडेंट है ना, व्हाइट सफायर आपको बहुत ज्यादा सूट करेगा क्योंकि सेकंड नॉड वीनस आ गया। व्हाइट सफायर आपको astroindia.com पे बहुत इजीली मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने 14वें योग के ऊपर, ये ना लॉटरियों वाला योग है। देखिए बहुत ज्यादा जिनकी लॉटरी लगने के चांसेस हैं, या फिर जिनके पास ब्लैक मनी, काला धन बहुत ज्यादा होगा ना लाइफ में, ये गारंटी करता है ये योग। अब बहुत ध्यान से देखिए, वीनस जो आपके सेकेंड हाउस का लॉर्ड है, इस हाउस का लॉर्ड कौन है, वीनस वेल्थ का, वो एट्थ हाउस में आके बैठ जाए देखिए, और इस वीनस के साथ ना सूर्य भी बैठा हो, बट सूर्य के साथ इसका डिफरेंस एटलीस्ट 8 degrees का डिफरेंस हो, याद है कि सूर्य और वीनस दोनों एट्थ हाउस में बैठे हैं, एरीज असेंडेंट है, बट सूर्य और वीनस के बीच में ना डिफरेंस 8 degrees से ज्यादा है, ताकि वीनस कंबस्ट ना हो। अगर वीनस कंबस्ट हो गया उसकी पावर लूज हो जाएगी, तो वीनस दूरी बना के 8-10 degrees की मिनिमम दूरी बना के रखा हुआ है ताकि वो कंबस्ट ना हो। इस केस में क्या होगा, आपके पास धन का भंडार होगा, ब्लैक मनी का भंडार होगा, जो आपको सिर्फ सेव ही करना है इस लाइफ टाइम में, आपको सिर्फ ये पैसे बचा के ही रखने हैं, यही आपका टास्क है। और अगर सूर्य इसके साथ बहुत ही क्लोज आता है ना वीनस के, या सूर्य यहां चला गया, तो देखिए तब भी आपको ब्लैक मनी तो मिलेगी, बट बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो ब्लैक मनी आपसे छीन ली जाएगी, बहुत ज्यादा चांसेस है, गवर्नमेंट आप वो छीन लेगी, आप पकड़े जाएंगे, या फिर पुलिस ने आपको पकड़ लिया, किसी मंत्री ने पकड़ लिया, किसी तरह वो ब्लैक मनी आपके हाथों से चली जाएगी। तो सूर्य का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट 8-10 degrees के दूरी बना के। अगला योग देखिए, बिलियनेयर का योग है, बिलियनेयर बनाता है ये योग। आपने क्या देखना है, एरीज असेंडेंट है आपका, फर्स्ट लॉर्ड कौन है, मंगल, मंगल यहां बैठ जाए 10वें घर में, मंगल इज सिटिंग इन दिस 10th हाउस, और जो 5th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, वो यहां बैठ, 9th हाउस का लॉर्ड जुपिटर, वो यहां 5th हाउस में बैठ गया। फर्स्ट लॉर्ड यहां चला गया, मंगल आपका 10th हाउस में चला गया, और जो 9th लॉर्ड था वो यहां पे चला गया जुपिटर 5th हाउस में। बिलियनेयर की कुंडली है ये, अगर आपकी कुंडली में ये है ना, गारंटीड आप बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट योग देखिए, नेक्स्ट योग भी बहुत ज्यादा आपको वेल्दी बनाता है और एक तरह से लकी भी बनाता है। आपने क्या क्या करना है देखिए, एरीज असेंडेंट है, 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य यहीं पे बैठ गया, 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य 5th में ही बैठ गया, और गुरु एंड चंद्र ये दोनों इकट्ठे 11th हाउस में बैठ गए, यानी कि आपस में एस्पेक्ट्स भी दे रहे हैं तीनों प्लैनेट्स, ये आपको मल्टी मिलियनेयर बनाता है, मिनिमम मल्टी मिलियनेयर बनेंगे आप। फिर से देखिए 17th पोजीशन भी हम इसी से बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो 11th हाउस में चंद्र था ना जुपिटर के साथ, अगर हम उसको चेंज कर दें, यानी कि जुपिटर के साथ चंद्र या तो यहाँ पे यहीं पे बैठ जाए, सन यहीं पे बैठा हुआ है 11th में ही बैठ गया जुपिटर के साथ, या फिर जुपिटर से 4th 1, 2, 3, 4 चंद्र यहाँ बैठ गया, जुपिटर से 7th चंद्र सूर्य के साथ बैठ गया। बट यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान देना है कि मिनिमम 8 degrees का सूर्य और चंद्र में फर्क होना चाहिए, अदरवाइज सूर्य जब अष्ट हो गया, कंबस्ट हो गया, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, चंद्र जब अष्ट हो गया,
तो ये चेक करिए। और साथ के साथ अगर ये चंद्र इसी टेंथ में आ जाए, 8, 9, 10, इवन देन बिकॉज जुपिटर और ये आपस में गज के इसमें योग बनाएंगे और फिफ्थ हाउस में सूर्य बैठा है, इवन दिस कॉम्बिनेशन, दीज थ्री कॉम्बिनेशन विल काउंट कि आपको मल्टी मिलियनेयर बनाएगा ये, और प्रॉपर्टीज के अंदर भी आपको लैंडलॉर्ड बनाएगा। अगला योग 18वां योग देखिए, जो आपका फर्स्ट नंबर का लॉर्ड है मार्स, या तो फिफ्थ हाउस में बैठा हो या नाइन्थ हाउस में बैठा हो मार्स, या फिर यहां पे आप यहां बैठ गया, और सेकेंड हाउस का लॉर्ड जो वीनस है वो 11th में बैठ जाए। इस केस में ये भी आपको गारंटी करता है कि अनलिमिटेड वेल्थ आपके पास लाइफ में होगी होगी, और कभी भी मनी ना रुकेगी नहीं, मनी खत्म हुई उसी टाइम नए सोर्सेज बन जाएंगे, नए पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। 19वां योग देखिए एरीज असेंडेंट के लिए, अगर आप अभी तक ना चेक नहीं कर रहे ना अपनी कुंडली तो आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। अपनी कुंडली खोलिए और साथ साथ में टिक करिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख के कि कौन से योग आपके में बन रहे हैं। असल में मैं 44 योग बनाना चाहता था, बट ये दो पार्ट्स में वीडियो बना रहा हूँ, 22 योग इस वीडियो में, सेकंड वीडियो में 22 योग, सारे के सारे 44 एरीज असेंडेंट के ही योग हैं। तो आप अगर चेक करेंगे 44 में से कौन से योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कितने पैसे आप इस लाइफ में कमा पाएंगे। तो देखिए 19th योग जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो सेकेंड हाउस का जो आपका लॉर्ड है ना वीनस, एरीज असेंडेंट के लिए वीनस जो है वो फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाए, और इसके ऊपर एस्पेक्ट या तो चंद्र का आ जाए या जुपिटर का आ जाए यहाँ से एस्पेक्ट, या फिर शनि का एस्पेक्ट आता। तीनों केसेस में देखिए जुपिटर और शनि के दूसरे एस्पेक्ट भी आ सकते हैं, जुपिटर का आपके पास फिफ्थ, नाइन्थ और सेवन्थ तीनों एस्पेक्ट आ सकते हैं, यानी कि जुपिटर यहाँ बैठ के भी एस्पेक्ट दे सकते हैं। तो बस आप ये समझिए कि जुपिटर सैटर्न या चंद्र का फर्स्ट हाउस में बैठे हुए शुक्र के ऊपर एस्पेक्ट आ रहा है, दिस मेक्स यू मल्टी मिलियनेयर। साथ के साथ आप एक और चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे आप मंगल भी ले सकते हैं, मंगल का भी अगर एस्पेक्ट आएगा वीनस के ऊपर इवन देन यू विल बी अ मल्टी मिलियनेयर। नेक्स्ट 20th केस जो आप देख रहे हैं अपनी कुंडली में, चेक करते रहिए साथ साथ में, 20th केस जो आपको बहुत रिच बनाता है वो है कि अगर मंगल और चंद्र ये फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ या टेंथ, यानी कि यहां पे भी इन चारों में से कहीं भी बैठ जाए, इवन फिफ्थ में, इवन नाइन्थ में, या इन इन सब में से कहीं पे भी मंगल और चंद्र एक साथ कंजंक्शन में बैठे होंगे, यू विल बिकम मल्टी मिलियनेयर इन दिस लाइफ, दिस इज गारंटीड फॉर यू। इसी में ना मैं आपको एक सडन वेल्थ का फॉर्मूला बताता हूँ। ऐसे लोग होते हैं ना जिनको एकदम से सडनली वेल्थ मिल गई, ट्रेडिंग से, क्रिप्टो से, किसी भी तरह से जमीन मिल गई, कुछ भी तरह से कोई जमीन छोड़ गया अपनी इनके नाम, सडन वेल्थ का भी ऐसे ही बनता है। देखिए सडन वेल्थ में क्या देखना है, इसी तरह से चंद्र और मंगल एक साथ बैठे हो 1, 4, 7, 10, 5 या 9 में कहीं पे भी, और दिस लॉर्ड दिस इज वीनस, सेकंड लॉर्ड, 11th लॉर्ड इज सैटर्न, वीनस और सैटर्न फोर्थ हाउस में बैठ गए, मंगल और चंद्र 1, 4, 7, 10, 5, 9 कहीं पे बैठे हो, और वीनस एंड सैटर्न शनि फोर्थ हाउस में बैठ जाए, सडनली आप इतने अमीर हो जाएंगे, रातों रात जो अमीर हो जाते हैं, रैक्स टू रिचेस, वो भी रातों रात, ये वो योग बनता है। लास्ट योग देखिए 22nd योग, इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। मैं 44 योग डिस्कस करना चाहता था जिसमें से अभी 22 ही हुए हैं। इस वीडियो पे कमेंट करिए इनमें से कौन से योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, और उनमें अगर कोई डाउट भी है ना इवन देन यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई कि मैं उनका आंसर करूँ, नहीं तो कोई ना कोई जो वीडियो देख रहा है ऑटोमेटिकली आपको बता देगा। तो आप 22nd जो लास्ट योग एरीज असेंडेंट के लिए आप चेक कर सकते हैं वो ये है कि जो आपका फिफ्थ, सेकेंड हाउस का लॉर्ड है वीनस, वो यहां बैठ जाए फिफ्थ हाउस में, और जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड था सूर्य वो यहां बैठ जाए, सेकेंड और फिफ्थ के बीच में आपस में राशि एक्सचेंज हुआ, सूर्य यहां बैठ गया, वीनस यहां बैठ गया, दिस गारंटीज दैट यू विल बी अ वेल्दी पर्सन इन दिस लाइफ टाइम। ये योग ना बहुत रेयर होगा, क्योंकि देखिए वैसे ना वीनस और सूर्य एक दूसरे के बहुत क्लोज ही रहते हैं, बहुत रेयरली योग बनेगा, अगर बन रहा है देन इट विल मेक यू वेरी वेरी वेल्दी। अब आपने क्या किया, देखिए इस वीडियो को फिर से भी देख सकते हैं एक बार, चेक करिए 22 के 22 योग कौन कौन से योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। इसमें से 13वां योग मैंने बताया था जिसमें लॉसेज होने के कारण है, लॉसेज कब होएंगे जब वीनस यहां से या फिर यहां से गुजरेगा, उस केस में वाइट सफायर डालिए। अदरवाइज क्योंकि एरीज असेंडेंट के लिए हमने देखा कि जो सेकेंड लॉर्ड है वीनस, फिफ्थ लॉर्ड है सूर्य, जुपिटर नाइन्थ लॉर्ड, और ये शनि
11th लॉर्ड, ये चारों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इन चारों का ही ऑब्जेक्शंस वाइट सफायर, रूबी, बुकराज और नीलम या फिर मंगल का भी मूंगा, पांचों ही आप धारण कर सकते हैं, या फिर इनमें से जो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है ना उनका जेमस्टोन आप धारण करिए, लॉटरी लगवा देंगे आपकी। सबसे बेस्ट जेमस्टोन्स आपको astroindia.com पे मिल जाएंगे। अभी जाइए astroindia.com पे और इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन से योग आपकी कुंडली में बन रहे थे।